और राजधानी रांची में ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, पूरा झारखंड ठिठुर रहा है। 7 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले 48 घंटे तक कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, कोहरे रहेंगे। गढ़वा पलामू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंचा है और ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार ठंड से पूरे झारखंड में ठिठुरन महसूस किए जा रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ये परेशानी 7 जनवरी तक रहेगी, क्योंकि 7 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। और रुक करेंगे देवघर का, सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ मौजूद है। अमरनाथ, ठंड से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि 7 जनवरी तक मौसम विज्ञान ने साफ तौर पर कहा है कि 7 जनवरी तक ये ठिठुरन बरकरार रहेगी। देवघर में कैसी स्थिति है ठंड की? मैं आपको बताऊं कि बारिश 2 दिन पहले बंद हुआ है, उसके बाद से लगातार ठंड बढ़ रही है और लोग काफी ठिठुर रहे हैं। और जो कल से तेज हवा जो चल रहा है, उसके कारण गलन बढ़ी है, ठंड बढ़ी है, लोग परेशान हैं। जगह जगह पर सरकार ने अलाव की व्यवस्था की है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय विधायक हैं, इसके अलावा कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, ये सब लोग के बीच राहत कार्य का वितरण कर रही हैं, या फिर कहें कि कंबल का वितरण कर रही हैं, या फिर जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। अगर प्रशासन की बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम ने भी लगभग पिछले 10 दिनों से 10 जगहों पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है और वह लोगों को अलाव के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। जी, तो ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, तो कोरोना के साथ साथ ठंड से भी लोगों को बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई तरह की परेशानियां भी ठंड के मौसम में मरीजों को होती हैं। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है, तो लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अमरनाथ जी, हाँ, कल हमारी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने भी कल बताया कि जिस प्रकार अचानक जो फिर से कल से मौसम जो बदला है और हवा जो तेज चलना शुरू हुआ है, उसके बाद कल उन्होंने बताया कि अभी लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कारण यह है कि जो अस्थमा के मरीज हैं, या फिर उनको कहें कि जो हार्ट के मरीज हैं, इसके अलावा जो बीपी शुगर के जो पेशेंट हैं, उनको इस ठंड से बचना आवश्यक है, नहीं तो फिर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए लोगों को डॉक्टर ने भी सलाह दी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहने, पहनकर कहीं बाहर निकले, अनावश्यक बाहर नहीं निकले। हालांकि कल दोपहर के बाद से धूप जरूर खिली है, आज भी हालांकि आकाश में बादल है और बादल के साथ साथ धूप भी है, लेकिन इसके बावजूद ठंड जो है, ठंड काफी है, ठंड बढ़ी हुई है और हवा अभी भी तेज चल रहा है। जी, और प्रशासन ने वहां पर क्या व्यवस्था कर रखी है आम लोगों के लिए, जो सड़कों पर अपनी रात गुजारते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? अलाव की व्यवस्था, कोई कंबल का वितरण, क्या क्या? मैं आपको बताऊं कि जब से ठंड बढ़ी है, उसके बाद से पिछले, मैंने पहले भी कहा है कि लगभग 10 दिन पहले से नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहे, यानी कि लगभग 10 चौक चौराहे, जैसे कि टावर चौक, जसीडीह स्टेशन, बस स्टैंड, बाजला चौक, आजाद चौक आदि जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और लोगों को अलाव के माध्यम से जो गरीब हैं, या फिर कहें कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि रात शहर में रह करके गुजारते हैं, किसी प्रकार उनके रहने का कोई आश्रय स्थल नहीं है, उन लोगों के लिए राहत प्रदान किया जा रहा है अलाव के माध्यम से। इसके अलावा जो यहाँ के समाज सेवी हैं, सेवी संस्थाएं हैं, इसके साथ साथ जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे देवघर के नारायण दास हों, सारठ के रणधीर सिंह हों, या फिर जरमुंडी के मंत्री बादल पत्रलेख हों, मधुपुर के मंत्री हाफिज अंसारी हों, इन लोगों के द्वारा लगातार कंबल आदि अपने क्षेत्र के गरीब लोगों के बीच वितरण करने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के बीच कंबल बांटा गया है। जी, चलिए अमरनाथ, अब बने रहे हमारे साथ, रुक करेंगे धनबाद का, सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, ठंड का जो असर है धनबाद में कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, धनबाद में भी ठंड का असर काफी देखने को मिल रहा है, लोग काफी परेशान है। अलग बात है कि धूप खिलती है, लेकिन जो नमी है मौसम में वो बरकरार है, नमी के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, तो जिसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मौसम वैज्ञानिक ने भी चेतावनी जारी किया है कि 7 जनवरी तक ऐसे ही ठंड का मौसम बना रहेगा और पारा में लगातार गिरावट होगा,
तो सावधानी लोगों को जिस तरह से कोरोना को लेकर के बरतने की जरूरत है, ठंड को लेकर के भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इस ठंड के मौसम में एक नया वायरल फीवर चल रहा है जो लोगों को अपनी ओर ग्रसित कर रहा है, वो ठंड लगता है, ठंड के साथ फीवर आते हैं, तो इनसे बचने की जरूरत है। और खास करके अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो वो अपने स्तर से जो रैन बसेरे हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग ठहरते हैं, गरीब तबके के लोग या फिर रिक्शा चालक ठहरते हैं, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये अलाव की व्यवस्था भी ना काफ़ी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो व्यवस्था हो रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी लोगों को परेशानी हो रही है, और ऐसे में और पहल करने की जरूरत है क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप धनबाद में जारी है। जी, तो ठंड का प्रकोप जारी है और कोरोना के साथ साथ ठंड से भी बचना बेहद जरूरी है दिलीप, क्योंकि अभी 7 जनवरी तक ठंड से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स भी काफी सलाह दे रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए और गर्म कपड़े, गर्म खाना जरूर खाएं। देखिए बिल्कुल, डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ठंड के मौसम में 2-3 जो बीमारियां हैं उनसे लोग ग्रसित हो जाते हैं, ठंड लगना या फिर सर्दी जुकाम होना, ये आम बात होता है, तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्म खाना खाना है, उन्हें गर्म पानी का सेवन करना, और खास करके अगर उन्हें परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से सलाह ले कि और आगे क्या कर सकते हैं इस दौरान। लेकिन ठंड से बचने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हम ठंड को नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसके कारण है कि जो कई गंभीर बीमारी, जो जैसे अस्थमा के मरीज होते हैं या फिर जो जिनको स्ट्रोक कभी कभी पड़ता है, उनके लिए भी ठंड काफ़ी खतरनाक होता है, तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है और जरूरत पे डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि 7 जनवरी तक, मौसम वैज्ञानिक ने भी चेतावनी दी है, तो आप 7 जनवरी तक भी जरूरी काम हो तभी घर से निकले, और जब निकले तो गर्म कपड़े पहनकर निकले, हाथ को ढके, सर पे टोपी जरूर पहनकर निकले, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलता है मौसम में नमी काफ़ी बढ़ जाती है और उसके साथ तेज हवाएं चलती है, तो जाहिर सी बात है लोगों को ठंड से बचने की जरूरत है। और अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो उनके तरफ से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन वो नाकाफी है और उसमें और व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। जी दिलीप, कोरोना के भी केसेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं, धनबाद भी संक्रमितों से अछूता नहीं है, अभी एक्टिव केस कितने हैं वहाँ? बिल्कुल, एक्टिव केस लगभग 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। कल ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लोग पहुंचे थे और कई जगह पे स्पेशल कैंप चलाया गया था कोरोना जांच को लेकर के, 123 मरीज मिले एक साथ धनबाद में, तो एक धनबाद के लिए चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जो हम तीसरे वेरिएंट की बात कर रहे थे, तीसरे लहर की बात कर रहे थे, वो तीसरी लहर लगता है कि अब आ गया है, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए थे, उसके बावजूद भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लोग घर से निकले, पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे, भीड़ भाड़ इलाकों में घूमे हैं, तो ऐसे में और जांच का दायरा बढ़ाया गया, और जांच का दायरा बढ़ाया गया तो 1-2 दिन में और रिपोर्ट आएंगे, तो चौंकाने वाले रिपोर्ट आ सकते हैं, लेकिन एक साथ 123 मरीजों का मिलना धनबाद के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोरोना ने धनबाद में दस्तक दे दिया है और इसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जी चलिए, तो इससे कोई गुरेज नहीं है कि कोरोना और ठंड दोनों से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों जानलेवा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप और अमरनाथ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ ठंड का भी कहर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप सभी से न्यूज 11 भारत भी अपील करता है कि आप इन दोनों का और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।